I'm Dr. Garima Sachi. Welcome you all in my YouTube channel. चलिए फ्रेंड्स, आज हम सभी कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद के बारे में बात करते हैं। ये आंख की काफी कॉमन बीमारी है जिसमें आंख का जो लेंस होता है उसमें क्लाउडिंग हो जाती है, मतलब कुछ जमा हो जाता है, जिस वजह से उसकी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है और वो ओपेक हो जाता है, जिससे लाइट आर पार नहीं हो पाती और इस वजह से विजन अर्थात जो देखने की क्षमता है, कैपेसिटी, वो काफी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि 51% लोगों में अंधे होने का कारण बनती है। अंधेपन का कारण ये कैटरेक्ट होता है, 51% केसेस ऐसे हैं। साथ ही साथ ये जो है डिक्रीज तो करती है विजन, साथ ही साथ और भी डेली रूटीन की एक्टिविटीज भी काफी डिस्टर्ब करती है सभी लोगों की। एज रिलेटेड भी हो सकती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लेंस की ट्रांसपेरेंसी खत्म होते जाना और ओपेसिटी यानी कि उसमें कुछ जमा होते जाना, क्लाउडीनेस होना, उसकी ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज होना, तो वो एज रिलेटेड भी देखने मिलता है। और भी कई सारे कारण हैं इस कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद के। और 20 मिलियन पर्सन आज की डेट में इस कैटरेक्ट से सफर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, उसके पहले यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को जो लास्ट में हम कुछ मेडिसिन बताएंगे जो कि कैटरेक्ट के लिए काफी हद तक हेल्पफुल है, वो आप जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद के बारे में डिटेल में बात करना। चलिए आइए अब हम इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होता है, मतलब एक ऐसा नहीं होता कि आज सोए हम और अगले दिन कैटरेक्ट हो जाए, ऐसा इतना सडन ऑनसेट नहीं होता है। तो ये धीरे धीरे साल दो साल लेता है, कई लोगों में 6 साल भी लेता है डेवलप होने में। इसके कारण क्या होता है, विजन ब्लर्ड हो जाता है, धुंधला हो जाता है, फेड हो जाता है, मतलब चीजें स्पष्ट नहीं दिखती हैं। साथ ही साथ डबल विजन हो जाता है कि एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो डबल डबल दिखने लगे, जैसे कि ये एक उंगली है तो इसके बाजू में एक और इमेज इसी की बनेगी, तो जिसको कैटरेक्ट होगा उसको वो दो उंगलियां दिखेंगी। साथ ही साथ होता है कि हैलोज दिखते हैं अराउंड लाइट, जैसे जो लाइट है वो भी काफी फैली हुई दिखेगी, एक बल्ब है तो बल्ब की रोशनी चारों तरफ फैली हुई दिखती है, सूरज की रोशनी होगी वो भी काफी ऐसी फैली हुई दिखेगी, सूरज प्रॉपर नहीं दिखेगा, किसी भी चीज की लाइट हो, इवन कैंडल लाइट हो तो वो लाइट भी जो छोटा सा एक चिंगारी हो या छोटी सी रोशनी हो वो भी फैली हुई दिखती है। ब्राइट लाइट में देखने में काफी परेशानी होगी, जैसे एकदम से गाड़ी की कोई लाइट आंखों में चमके रात के समय ड्राइविंग करते टाइम, उस चीज में परेशानी होगी। तो रात में अक्सर ये लोग ड्राइव नहीं कर पाते हैं, रात में इन्हें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ड्राइविंग में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में, रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, वर्ड्स जो होते हैं वो काफी धुंधले दिखते हैं। साथ ही साथ फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं किसी का, दूर से देख रहे हैं तो पहचान नहीं पाते हैं कि कौन आ रहा है, विजन पुअर होता जाता है इस कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद की वजह से। और इसकी वजह से सबसे ज्यादा रिस्क होती है कि कहीं भी ये गिर जाए, फॉलिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हें प्रॉपर दिखता नहीं, सीढ़ी है नहीं है, ऊंचाई पे है, कोई गड्ढा है, ये चीजें ये प्रॉपर नहीं देख पाते हैं, इस वजह से गिरने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से लोग डिप्रेशन में भी ज्यादा जाते हैं कि मानसिक दबाव हो जाता है कि भाई मेरे को कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद है, मुझे दिख नहीं रहा, और उस वजह से डिप्रेशन में कंटिन्यूस जाते जाते हैं। साथ ही साथ अंधापन, टोटल लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है इसमें, और एक नहीं दोनों आंखों में भी अफेक्शन हो सकता है, एक साथ भी, और एक आंख में पहले हो उसके थोड़े दिन बाद दूसरी आंख में विजुअल इम्पेयरमेंट आए, ऐसा भी देखा जाता है। तो ये सारे लक्षण हैं कैटरेक्ट के। अब हम जो कैटरेक्ट है उसके टाइप के अनुसार इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो पहला होता है न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक या फिर ब्रूनिसेंट कैटरेक्ट कहलाता है।
तो इसमें जो है दूर का विजन, डिस्टेंट विजन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, ज्यादा धुंधला होता है बजाय नियर विजन के। नियर विजन काफी हद तक अच्छा होता है, डिस्टेंट विजन ज्यादा परेशान करता है, ज्यादा कम होता है। और साथ ही साथ जो सेकेंड वेराइटी है दैट इज पोस्ट सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, इसमें ग्लेयर होते हैं, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसमें चमकता हुआ नजर आता है इस पेशेंट को। और ग्लासेस जो है, जो चश्मा है, वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली नंबर बढ़ते हैं इन पेशेंट्स के। कलर्ड हैलोज दिखते हैं हाइड्रेशन ऑफ लेंस की वजह से। चलिए आइए अब हम इसके कॉजेस की बात करते हैं। तो ये एज रिलेटेड ज्यादा देखने मिलता है, 50-60 साल की एज में ज्यादा देखने मिलता है। क्यों? क्योंकि जो लेंस के अंदर प्रोटीन होता है वो टूटने लगता है, डीनेचर्ड होने लगता है, डिग्रेडेशन होने लगता है, जिस वजह से जो लेंस की ट्रांसपेरेंसी वो खत्म होती है और ओपेसिटी बढ़ती जाती है इस वजह से। और साथ ही साथ एज रिलेटेड डायबिटीज या हाइपरटेंशन होने की वजह से कैटरेक्ट का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि डायबिटीज और हाइपरटेंशन की वजह से ये जो प्रोटीन होता है वो और भी ज्यादा फास्ट टूटता है। तो एज रिलेटेड बीमारियां कैटरेक्ट को बढ़ाने में उसके लिए रिस्क फैक्टर प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टॉक्सिन्स हो गए, रेडिएशंस हो गए, अल्ट्रावायलेट लाइट हो गई, एक्सरेज हो गई, एमआरआई स्कैन हो गए, बार बार रिपीटिशन की वजह से इनके जो इफेक्ट हैं वो भी कैटरेक्ट के लिए रिस्क फैक्टर बनाते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉमा, ब्लंट ट्रॉमा हुआ, जैसे आंख में कोई चोट लगी, ऊपर से किसी ने मुक्का मार दिया, ब्लंट ट्रॉमा हुआ, उस वजह से चोट तो लगी, ब्लीडिंग इंटरनल हो सकती है, स्वेलिंग आएगी, साथ ही साथ उस जगह पर थिकनिंग होगी और वाइटनिंग हो जाएगी, मतलब सफेद हो जाएगा। तो लेंस सफेद हो जाता है किसी चोट की वजह से, लेकिन वक्त गुजरता जाता है तो स्वेलिंग कम हो जाएगी धीरे धीरे, 8-10 दिन 15 दिन 1 महीना में, लेकिन जो वाइटनिंग हो गई लेंस की वो कंटिन्यू और परसिस्टेंट रह जाती है और उस वजह से लाइट आर पार नहीं हो पाती है। नॉर्मली लाइट लेंस को पार करके रेटिना पे जाकर इमेज क्रिएट करती है, लेकिन जब कैटरेक्ट हो जाता है या वाइटनिंग हो जाएगी आंख की तो ये लाइट आर पार नहीं जा पाएगी, यही लेंस के सामने ही रुक जाएगी और रेटिना पे जाकर इमेज क्रिएट नहीं कर पाती है। इलेक्ट्रिकल इंजरी की वजह से भी कैटरेक्ट देखा गया है, ब्लंट इंजरी की वजह से स्टार शेप, स्टीलेट कहलाता या फिर पेटल शेप कैटरेक्ट देखा गया है। साथ ही साथ जो रेडिएशंस हैं, एक्सरे हो, यूवी रेज हो, आयनाइजिंग रेडिएशंस हो, तो इसकी वजह से कैटरेक्ट क्यों होता है, क्योंकि डीएनए जो है लेंस का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और कैटरेक्ट फॉर्म करता है। जेनेटिक्स हो सकता है, फैमिलियल हिस्ट्री में देखने मिल सकता है, स्किन डिसीज के सप्रेशन में देखने मिल सकता है। और क्यों? स्किन और आंख दोनों का एम्ब्रियोलॉजिकल कनेक्शन है, इस वजह से स्किन डिसीज के सप्रेशन की वजह से कैटरेक्ट के लिए रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से, विटामिन सी यदि लो हो बॉडी में तो विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से भी कैटरेक्ट के लिए रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। साथ ही साथ कुछ मेडिसिन जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, इन सबके साइड इफेक्ट में भी कैटरेक्ट देखा गया है। और साथ ही साथ आई की कोई भी सर्जरी, जैसे कैटरेक्ट कभी नहीं हुआ लेकिन आई का किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ हो, आंख का कोई ऑपरेशन हुआ, तो उसके साइड इफेक्ट में पोस्ट ऑपरेटिव कैटरेक्ट भी बनता है। कुछ और बीमारियां जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए, हाइपोथायरॉयडिज्म, या फिर कुछ सिंड्रोम्स हो जैसे डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, इन सब में भी कैटरेक्ट देखा गया है। कुछ इन्फेक्शन है जैसे सिस्टिसरकोसिस है, लेप्रसी है, वेरेसेला है, साथ ही साथ कुछ आंख की बीमारियां जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो गया, रेटिनाइटिस हो गया, रेटिनल डिटेचमेंट हो गया, रेटिनोपैथी हो गया, या फिर यूवियाइटिस हो गया, इन सब के कारण रिस्क फैक्टर बढ़ता है कैटरेक्ट के लिए। चलिए अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो जो लेंस है वहां पर प्रोटीन टूट टूट के क्लंप जैसा इकट्ठा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं और येलो ब्राउन एक तो अपीयरेंस दे सकते हैं या फिर व्हाइटिश, तो लेंस पे एक बादल जैसा, क्लाउड जैसा फॉर्मेशन करते हैं, जिस वजह से जो नॉर्मली लाइट लेंस को क्रॉस करके रेटिना पे इमेज बना रही थी वो नहीं हो पाती है, तो लाइट लेंस को क्रॉस
नहीं कर पाती हैं। अब हम कैटरेक्ट के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो ये तो या तो कंप्लीट होगा या पार्शियल होगा, मींस या तो पूरा का पूरा लेंस इन्वॉल्व होगा तो वो कंप्लीट वैरायटी, और पार्शियल मतलब थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होगा और बाकी लेंस नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट है स्टेशनरी एंड प्रोग्रेसिव। स्टेशनरी मतलब एक ही स्टेज पे स्टैंड स्टिल रहेगा। कई लोगों का कैटरेक्ट होता है या मोतियाबिंद होता है कि जैसे थोड़ा सा मोतियाबिंद हो गया, फिर 10 साल 15 साल बाद भी वो उसी स्टेज पे स्टैंड स्टिल है, ना वो आगे बढ़ा ना घटा। और प्रोग्रेसिव वाला जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा, पूरे लेंस को इन्वॉल्व कर लेगा, दूसरी आंख के लेंस को भी इन्वॉल्व कर लेगा। नेक्स्ट है कि हार्ड हो सकता है या सॉफ्ट हो सकता है। अब हम इसकी वैरायटीज जानेंगे। तो पहला है न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस। इसमें जो लेंस है उसका सेंट्रल या न्यूक्लियर पार्ट इन्वॉल्व होता है, जो बीच का सेंटर पार्ट होगा जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, वो इन्वॉल्व होगा। वहां पर लेंस के प्रोटीन कंडेंस्ड हो जाएंगे और डिपोजिशन होगा येलो ब्राउन पिगमेंट का, जो सेंट्रल वाला होगा। तो ये न्यूक्लियर इसीलिए कहलाता है क्योंकि न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करता है, तो येलोइश ब्राउन पिगमेंटेशन देगा। बहुत ज्यादा कॉमन वैरायटी, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, पूरा लेंस इन्वॉल्व ना होके सिर्फ सेंटर पार्ट ही इन्वॉल्व होता है, और ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसीलिए इसे हार्ड कहते हैं या स्क्लेरोटिक भी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉर्टिकल कैटरेक्ट। तो इसमें कॉर्टेक्स लेयर जो है उसमें ओपेसिटी आती है, और इसका सिम्टम है कि ग्लेयर होता है, मतलब हर चीज चमकती है, आंखों में रोशनी चमकती हुई दिखती है, रात में ज्यादा तकलीफ देती है। जब कोई ड्राइव कर रहा हो और सामने से गाड़ी आती है, उसकी लाइट्स ऑन हो, तो वो जो लाइट है बहुत ज्यादा आंखों में चमकती है और पूरी फैली हुई दिखती है, तो ये है कॉर्टिकल कैटरेक्ट। नेक्स्ट है पोस्ट सबकैप्सुलर कैटरेक्ट। तो इसमें क्या होता है, लेंस जिस कैप्सूल या बैग में रहता है, वो कैप्सूल या बैग वो ओपेक हो जाता है, जिस वजह से लाइट जो है वो आर पार नहीं हो पाती, इसमें ओपेसिटी आ जाती जो कैप्सूल और बैग है, इसलिए इसे कहते हैं पोस्ट सबकैप्सुलर कैटरेक्ट। नेक्स्ट वैरायटी है इमैच्योर कैटरेक्ट। इमैच्योर में थोड़े प्रोटीन्स ट्रांसपेरेंट रह जाते हैं, जबकि मैच्योर में सारे प्रोटीन्स ओपेक हो जाते हैं, मींस उसमें जरा सा भी लेंस ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाता, उसमें सारे में क्लाउडीनेस क्लम्पीनेस हो जाती है। और लास्ट है हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। तो इसमें जितना भी प्रोटीन है वो सारा लिक्विड में टर्न हो जाता है और पूरी तरह से लेंस डीजनरेट हो चुका होता है। अब हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें, तो प्रॉपर आई एग्जामिनेशन से पता चल जाता है कैटरेक्ट। प्रिवेंशन की बात करें तो प्रॉपर इनटेक करें एंटीऑक्सीडेंट्स का, लाइक विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके होम्योपैथिक कॉज, अपने एक होम्योपैथिक क्योर्ड केस और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। इसका जो होम्योपैथिक कॉज है वो ये है कि पेशेंट कुछ चीजें नहीं देखना चाहता। जैसे होता है ना कि कैटरेक्ट का मतलब क्या है, कि ना देख पाना, तो उसका जो थॉट प्रोसेस था वो भी यही था कि ये चीजें मुझे देखनी ना पड़े। कुछ ऐसे इंसिडेंसेस या घटनाएं हुई हैं उसकी लाइफ में जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ है, उसको लगा कि ऐसी चीजें देखने से अच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं, ऐसी चीजें देखने से अच्छा है मुझे देखना ही ना पड़े, ये उसका कॉज है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने एक होम्योपैथिक क्योर्ड केस के द्वारा जानते हैं कि कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद होम्योपैथी से भी क्योरेबल है। एक पेशेंट फीमेल पेशेंट थी जिनकी एज लगभग 56 इयर्स की थी, तो वो इसी कैटरेक्ट के लिए आई थी। उनको हिस्ट्री थी पैरालिसिस की 4 साल पहले, एक लेफ्ट साइड की बॉडी में उनको पूरा पैरालिसिस हो गया था, आंख की जो पुतली है वो भी मूव नहीं करती थी, आंख में भी असर था, तो उसके बाद कैटरेक्ट हुआ है उन्हें। साथ ही साथ जो ऑक्यूलर मसल्स मींस आंख की मसल्स हैं वो काफी हद तक उनकी पैरालाइज्ड थी, जो आंख की पलकें हैं वो भी ड्रूपी थी, मींस पूरी तरह से उठ नहीं पा रही थी। विजन में उन्हें हर जगह डार्क स्पॉट्स दिखते थे, आंखों के सामने कुछ फ्लिकरिंग होती थी, कुछ उड़ता हुआ दिखता था, हर जगह धुंधला दिखता था, जैसे फॉग हो, ठंड में होता है ना जैसे कोहरा छाया, तो हर जगह ऐसा लगता था कोहरा और बादल छाए हैं। इंसेक्ट्स उड़ते हुए दिखते थे आंखों के सामने, डिप्लोपिया था, डबल विजन था, एक चीज उन्हें हर चीज डबल डबल दिखती थी। पूरा केस लिया तो उनको
मिल्क की काफी डिजायर थी, हॉट मिल्क मतलब गर्म दूध उन्हें बहुत पसंद था। पेशेंट चिड़ी थी, बोलती बहुत थी, बहुत टॉकेटिव थी, लेकिन अब काफी शांत हो गई थी। साथ ही साथ आंख में उन्हें बहुत ग्रिटी सेंसेशन होता था, ऐसा लगता था जैसे कुछ चुभ रहा है, कुछ गड़ रहा है। गले में उन्हें प्लग लाइक सेंसेशन था जो कि कॉफी पीने से बढ़ता था। कॉफी उन्हें पसंद बहुत थी, लेकिन जैसे ही वो कॉफी पीती थी तो गले में जो प्लग लाइक सेंसेशन था वो काफी बढ़ जाता था। उन्हें हमेशा कंफ्यूजन रहता था कि वो इंडिया में है कि कहीं फॉरेन में। उनका बेटा फॉरेन में शिफ्ट हो, उसके बाद से उन्हें ये कंफ्यूजन होने लगा। सुबह के 9 बजते थे, वो रात के 9 समझती थी। एक 12 घंटे का लैगिंग टाइम जो चलता है उस हिसाब से एक दिमाग सेट हो गया था उनका, तो वो इसी भ्रम में हमेशा रहती थी। साथ ही साथ उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कुछ गलती ना हो जाए, मैं कुछ गलत ना कर बैठूं, मैंने कुछ क्राइम कर दिया है, और कुछ मिसफॉर्च्यून ना हो जाए, मेरे साथ कुछ गलत ना घट जाए। दूसरों के साथ अन्याय हो या खुद के साथ अन्याय, वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करती थी, उसके लिए लड़ लेती थी। और साथ ही साथ जरा सी भी घटना, उसके लिए बहुत रोना, बहुत परेशान होना। पूरे केस के बाद रूब्रिक लिया गया डिल्यूशन लॉस्ट और कंफ्यूज्ड विथ टाइम और स्पेस। इस बेस पे कॉस्टिकम 200 दी गई, साथ ही साथ जो पैरालिटिक सिम्टम्स आई सिम्टम्स भी मैच किए गए, तो कॉस्टिकम 200 से वो प्रॉपरली ठीक हो गए। उनका पूरा कैटरेक्ट 1.5 साल में कट गया, लेकिन उसके पहले उनका जो आई बॉल का मूवमेंट नहीं हो रहा था वो मूवमेंट आया। जो पैरालिसिस हो गया था आई बॉल में, मस्कुलर, वो नॉर्मल हो गया। तो मस्कुलर पैरालिसिस सबसे पहले हटा, उसके बाद धीरे धीरे कैटरेक्ट का जो लेंस था वो नॉर्मल लेंस में कन्वर्ट हो गया। तो कैटरेक्ट भी होम्योपैथी द्वारा क्योरेबल है। सभी सोचते हैं सिर्फ ऑपरेशन ही है इसका एकमात्र इलाज, लेकिन ऐसा नहीं है। होम्योपैथी कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद ठीक कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो कि इस कैटरेक्ट को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है आर्निका। तो कैटरेक्ट होगा आफ्टर इंजरी, आफ्टर ट्रॉमा, आफ्टर कंट्यूजन, आफ्टर कंकशन, सिर की चोट हो या आंख की चोट हो, उसके बाद यदि कैटरेक्ट हुआ है तो आर्निका काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। आंखों में खून का उतर आना, बॉल्स ब्लड शॉर्ट हो जाएंगी, साथ ही साथ सारी चीजें लगेगी कि लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक रही हैं, गिर रही हैं, जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग आगे की तरफ झुक गई है और वो गिर रही है, ऐसे सेंसेशंस आएंगे। रेटिनल हैमरेज हो सकता है, डिप्लोपिया, डबल विजन हो सकता है। लेकिन मेंटली पेशेंट को हमेशा डर बना रहेगा किसी के भी टच करने का, कोई भी चोट लगने का। साथ ही साथ बहुत सेंसिटिव होता है, सोरनेस होती है मेंटली एज वेल एज फिजिकली। फिजिकल सोरनेस की बेड से सोर फील होगा, और मेंटल सोरनेस की वो अपने ही घर वालों के लिए इनडिफरेंट रहेगा, और वो अपने आप को हमेशा हेल्दी समझता है, वेल समझता है, इसलिए डॉक्टर से ना दवाई लेना पसंद करता है, ना डॉक्टर को घर बुलाना पसंद करता है, डॉक्टर को वापस भेज देता है। यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो आर्निका कैटरेक्ट को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है स्टेफी सेग्रिया। तो कैटरेक्ट होना लेकिन आफ्टर ऑपरेशन, कोई भी आंख का हो ऑपरेशन या कोई भी ऑपरेशन के बाद कैटरेक्ट होना, उसके लिए स्टेफी सेग्रिया काफी अच्छी मेडिसिन है। इसे ऐसा लगता है जैसे कि इसकी आईलेट के अंदर कुछ ऐसा रखा हुआ है, कुछ हैवी चीज रखी हुई है, जिस वजह से वो अपनी आंखें प्रॉपरली ऊपर खोल नहीं पा रहा है, कंटिन्यूअस गड़ता रहेगा, बर्निंग सेंसेशन है, डिम विजन है, और वो हेलोज दिखते हैं इसे, कुछ भी चीज के चारों तरफ, जैसे लाइट के चारों तरफ उसे हेलोज नजर आएंगे। साथ ही साथ इतना डिम हो जाता है कि उसे हमेशा डर लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, और बहुत ज्यादा बर्स्टिंग टाइप ऑफ पेन होगा। इसका मेंटल जनरल देखें तो एलिमेंट फ्रॉम डिग्निटी लॉस या इमेज लॉस की वजह से हमेशा अपनी डिग्निटी मेंटेन करके चलना चाहेगा। कहीं किसी ने इसे चिल्ला दिया, डांट दिया, तो भी ये पलटकर जवाब नहीं देगा, लड़ेगा नहीं। क्यों? यदि इसने झगड़ा किया तो इसकी डिग्निटी चली जाएगी, इसकी इमेज चली जाएगी, तो वो उस चीज को सप्रेस कर लेगा। तो सारी चीजों का सप्रेशन, सारा गुस्से का सप्रेशन, उस वजह से इसे प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी प्रॉब्लम यदि गुस्से सप्रेस करने की वजह से हो तो स्टेफी सेग्रिया काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है साइलीशिया। तो कैटरेक्ट होना लेकिन जो फुट होता है मतलब पैर, उसका जो पसीना, उसके सप्रेशन की वजह से, किसी वजह से कोई मेडिसिन ली, उस वजह से यदि
पैरों के तलवे का पसीना सप्रेस हो जाए ना, तो उसके बाद यदि कैटरेक्ट हो, या फिर जो ऑफिस वर्कर होते हैं कंटिन्यूअस कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में काम करने की वजह से उसके बाद कैटरेक्ट हो, तो साइलीशिया का उस पर अच्छा रिजल्ट है। साथ ही साथ जो लेक्राइमेशन डक्ट होती है जिससे आंसू बनते हैं, उसमें स्ट्रिक्चर हो जाए, वो सिकुड़ जाए, वो प्रॉपरली जो ओपन रहती है वो बंद हो जाए कहीं पर, तो उस वजह से यदि प्रॉब्लम हो तो साइलीशिया का वर्क काफी अच्छा है। तो कैटरेक्ट के साथ साथ इससे आंसू भी गिरते हैं तब साइलीशिया दी जाती है, और ये अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता है, कंटिन्यूअस बर्निंग भी होती है। साथ ही साथ इसके मेंटल सिम्टम्स देखे तो इसके फिक्स्ड आइडियाज हैं, टिमिड है, बहुत ज्यादा डर लगता है पब्लिक अपियरेंस में, सबके सामने सबको ये फेस नहीं कर सकता है, ये भी काफी इमेज कॉन्शियस है, जरा जरा सी चीजों के लिए परेशान होना, हमेशा टेंशन रहना कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इंटरनली बहुत ज्यादा साइलीशिया रेस्टलेस होता है। तो यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो साइलीशिया काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लोर। तो कैल्केरिया फ्लोर का पेशेंट जो होगा उसमें कैटरेक्ट होगा, साथ ही साथ पेल्पेब्रल सिस्ट होगा। जब भी कुछ लिखेगा उसके बाद काफी देर तक उसे पढ़ने में परेशानी होती है, इतना डिम विजन हो जाता है, और जब आराम से आंखें बंद करके थोड़ी देर सो जाएगा या फिर लेट जाएगा तो उसके बाद जब उठेगा तब इसका विजन इम्प्रूव्ड हो जाता है, फ्लिकरिंग होती है आंखों की, फ्लैशेस होते हैं, हैलोज दिखते हैं इसे भी। अब इसका मेंटल जनरल देखे तो इसमें फियर ऑफ पॉवर्टी है, इस वजह से कंजूस बहुत है, पैसे बचा के रखना हर जगह, खर्च नहीं करता है, बहुत लिमिटेड खर्चे रहते हैं और सिर्फ दिमाग में पैसा ही पैसा घूमता है, हर चीज का नेगेटिव एस्पेक्ट देखने की इसकी आदत होती है, और साथ ही साथ इसके लिए पैसे फैमिली से ऊपर होते हैं। तो यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो कैल्केरिया फ्लोर काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। और लास्ट मेडिसिन है कोनियम मैक्यूलेटम। तो कैटरेक्ट होगा लेकिन इंजरी के बाद का कैटरेक्ट, इसे जरा सी भी सनरेज बर्दाश्त नहीं होती, जरा सी भी सनलाइट यदि इसकी आंखों में आई तो उससे ये पैनिक हो जाएगा, एंग्विश हो जाएगा, साथ ही साथ पार्शियल या कंप्लीट पैरालिसिस जो हो जाता है आंख की मसल का, तो उसके लिए काफी अच्छी मेडिसिन है। अब हम इसके मेंटल जनरल्स की बात करें तो अपनी ही फैमिली से एस्ट्रेंज रहेगा, ऑक्यूपेशन अच्छा लगता है, काम करना पसंद है, साथ ही साथ सोसाइटी में जाना पसंद नहीं है, उससे अच्छा नहीं लगता, अवर्जन है, लेकिन अकेले रहना भी पसंद नहीं, उससे डर लगता है, तो फियर ऑफ बीइंग अलोन एंड अवर्जन टू सोसाइटी, जरा सी एक्साइटमेंट हुई तो उस वजह से मेंटल डिप्रेशन होता है। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करते हैं, मैच करते हैं, तो कोनियम काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है कैटरेक्ट को क्योर करने में। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है, जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए सब्जेक्ट के साथ, और फ्रेंड्स कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बिना आप मत लीजिएगा, अदरवाइज ज्यादा हद तक हेल्पफुल नहीं रहेंगे। सो कंसल्ट एनी डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। हमारी क्लिनिक का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।